मुझे अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली मेरा देखो 1000 के ऊपर चला गया। ये मेरा वही फ़ोन है जो मैंने जिसको कल मैंने रिपेयर किया था। तो आप देखो कि कितना बढ़िया ये मुझे दिख रहा है कि मुझे अब कहीं भी नज़र घुमाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए वाओ, मतलब आप देखो कि डुअल बैटरी वाले कनेक्टर, डुअल बैटरी तो नहीं है इसमें, दो बैटरी है, 8 वोल्ट के साथ में ये फ़ोन ऑन होता है। अब देखो डीसी सप्लाई मशीन और ये दोनों देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये वीडियो के अंदर भी 0.00, तो इससे मैं अपने क्लासेस हो गई है ना, इंस्टीट्यूट हो गए, और हम जो वीडियो बनाते हैं टेक्निकली, अभी मुझे एक आईफोन 12 का वीडियो बनाना है, मेरे पास एक आईफोन 12 है अभी, उसका रिपेयर करना है। ये मेरे पास जो टेक्नीशियन से फ़ोन आते हैं, जो दुकानदारों से फ़ोन आते हैं, इंडिया होल्ड से फ़ोन आते हैं, और ये लैब में मैं यही करता हूँ, R&D और रिपेयरिंग। और अगर आपको मुझे फ़ोन भेजना है रिपेयर के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? आज यार मेरे पास में आ गए सनशाइन का आई बूट बी आता था, ये डी है, डी फॉर डिस्प्ले, बी फॉर बूट, ये बूट भी करेगा और डिस्प्ले भी दिखाएगा। ये काफ़ी अब तक का, मतलब मुझे लगता है कि सनशाइन ने काफ़ी नया प्रोडक्ट निकाला है। और मेरे पास में आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के ऐसे टूल हैं जो आपको कहीं नहीं देखने मिलेंगे इंडिया के अंदर। बट मैं ये कहूँगा कि ये टूल मेरे लैब में एक नया टूल है, और अब तक मैंने ऐसा टूल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आप देखते होंगे जितने भी जो बूट डिवाइस होते हैं, आई बूट हो गए या जो भी हो गए, AD हो गए, जितने भी बूट डिवाइस हैं, उसके अंदर 4 वोल्ट के ऊपर या 4.7 वोल्ट के ऊपर वो लेता ही नहीं है। बट ये आपके उन फ़ोनों को भी चालू करेगा जिसके अंदर डुअल बैटरी है, इसके अंदर डुअल बैटरी का सपोर्ट, मतलब डुअल बैटरी को ऑन करने का सपोर्ट, प्लस इसके अंदर 8 वोल्ट वाले, मतलब जितने भी जो आपके वन प्लस के, रियलमी के वो सेट जिसके अंदर 8 वोल्ट से चालू होता है, ये उनको भी ऑन करेगा। तो ये सबसे बेस्ट है, और मुझे लगता है कि ये वाला टूल ना हर दुकानदार के पास होना चाहिए। ये टूल कहाँ से परचेस किया है और कितने रुपये का है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अभी इस टूल के बारे में नॉलेज लो, क्योंकि अब तक यूट्यूब में प्रैक्टिकल के साथ इस टूल को किसी ने नहीं दिखाया है, आपको मैं दिखाता हूं। और सबसे पहले मैं बताऊं इस टूल में है मिलेगा क्या। तो इस टूल के अंदर आप देखो तो आई बूट यहां पे लिखा हुआ है, और ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए है। यहां पे खुद लिखा हुआ है सपोर्ट 8 वोल्ट हाई, 8 वोल्टेज हाई वोल्टेज आउटपुट, ठीक है, हाई वोल्टेज पहले से लिखा है। डिजिटल डिस्प्ले, मतलब आप देखो तो ये है ना डिस्प्ले के साथ है, मतलब जनरली आई बूट जितने भी बूट होते हैं, ये जितने भी ये होते हैं, इसमें कहीं पर डिस्प्ले नहीं होता, बट यहाँ पर आपको डिस्प्ले के साथ ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सनशाइन का है, ब्रिंग ग्रेट टूल फॉर ग्लोबल यूजर, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर आप देखें तो पीछे बताया कि 4 पोर्ट, 1 टाइप सी यहाँ पर मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी पोर्ट का उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है। एडिट 8 हाई वोल्टेज टाइप सी आउटपुट, मतलब जो 8 वोल्टेज आपको आउटपुट देने वाला है, ये टाइप सी वोल्टेज देने वाले, टाइप सी का कनेक्टर देने वाला है। 3 इसकी आपको यूट्यूब चैनल, यहाँ पे QR कोड देखेंगे, तो ये QR कोड आप उसे यूट्यूब सनशाइन का, और इसकी वेबसाइट है, और या तो इसकी परचेसिंग वेबसाइट होगी, और देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक डिवाइस निकल गया, पहले मैं आपको उसके सामने खोल के दिखा देता हूँ। एक ये केबल निकली है, एक और केबल निकली है, एक केबल और, तो टोटल 3 केबल का सेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, और एक आपका मेन डिवाइस, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपके इस आई बूट डी में, सनशाइन में आने वाला है, एंड्रॉयड और आईफोन को लेके। चलो आओ अब इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको केबल खोल देते हैं, ये आप केबल देखो, तो ये जो केबल है आप देखो, तो टाइप सी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब ये पूरे टाइप सी कनेक्टर के लिए है, ये आपके वही हाई बोल्ट कनेक्टर के लिए है, जिससे आप 8 बोल्ट निकाल सकते हो। तो आप देखो, जैसे मैं एक दिखाता हूँ, और आप नोटिस करो, अगर सपोज जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है केबल पे लिखा हुआ है, आप देखो तो S9 हो गया, Vivo V8 हो गया, Vivo Oppo OnePlus, और जिसमें भी डुअल कनेक्टर है, ये देखो, तो आप इन दोनों पे देखो तो दोनों की पिनें बिल्कुल एक जैसी हैं, और जितने भी जो डुअल कनेक्टर वाले फ़ोन हैं, और मैं एक डुअल कनेक्टर का फ़ोन मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, इनमें दोनों में ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये देखो ये एक ही से निकल रहा है ये करके, ठीक है। तो ये आपका पूरा होने वाला है, ये देखो ये ओप्पो वीवो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे आपके हाई वोल्टेज वाले कनेक्टर हैं, जो कि यार मैंने तो पहली बार देखे हैं ये करके। अब इसके बाद अगर मैं आपको केबल की बात करूं, ये आप केबल देखो, तो ये आपका USB A जो आप यहां लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपको एंड्रॉयड और आईफोन मिलेगा, तो एक एंड्रॉयड होने वाला है और एक आईफोन होने वाला है। तो ये आप देखेंगे आईफोन में इसमें 15 Pro Max तक है, ये देखो 15 Pro और 15 Pro Max दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको मिलने वाला है केबल। केबल भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है और स्मूथ है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, केबल का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। और ये आपका एंड्रॉयड का होने वाला है, ये MI नोट सीरीज़, ठीक है, ये हुवावे का है, तो इन्होंने थोड़ा मॉडल वाइज स्पेसिफिकेशन दिया है, ये ओप्पो का हो गया, ठीक है,
ये आप देखो तो यहाँ पर ये हॉनर का हो गया, तो ये जनरली जो चाइना में है जो उनके मॉडल के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मॉडल के हिसाब से यहाँ पर ये देते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से ये केबल निकाल सकते हो, सारी केबल एक साथ नहीं लगानी है आपको, मान लो एक ही केबल लगानी है जिससे आपको फ़ोन ऑन करना है तो आप इस केबल को भी यहाँ पर लगा सकते हो मतलब। और आप देखो अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है IP8 मतलब 8 और 15 प्रो मैक्स तक आपको यहाँ यूज़ करना है, और IP5 to 7+ मतलब IP8 to 15 प्रो तक यहाँ, और 5 to 7+ अगर आप चालू करोगे तो आपको यहाँ दोनों में एम्पियर का फर्क मिलेगा। यहाँ पर 3 एम्पियर के ऊपर से ज़्यादा एम्पियर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर डिस्प्ले भी दिया हुआ है। प्लस आप देखो तो काफ़ी हल्का है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आइए आइए इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं, और इसे एक बार फ़ोन को चालू करके देखते हैं और डिस्प्ले देखते हैं कि कैसा आता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए तो आप देख रहे हैं मेरे पास डीसी सप्लाई मशीन की कोई मतलब इतनी जगह ही नहीं है कि मेरे पास इतने सारे हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास अब मैं यहाँ पर रख नहीं पा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बूट केबल पीछे कर लो पूरा दिखाऊँ, पहले तो मैं ये बूट केबल निकाल देता हूँ। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले बूट केबल का जो पावर है उसको ऑन करना है, ठीक है। तो आप देखो अभी मेरा 4 to 4.2 वोल्टेज में सेट है, देखो कितनी बढ़िया डिस्प्ले इसकी आ रही है रेड कलर की, और विजिबल डिस्प्ले है बहुत, सामने से दिखाई देगी, दूर से भी आप देखो तो ये दिखाई देने वाली है आपको। तो अब आपको आपकी डीसी क्या रीडिंग ले रही है आपको ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने पास में देख सकते हो, आप अपने वीडियो के अंदर दिखा सकते हो। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपनी है ना वीडियो के अंदर भी ये डीसी मशीन दिखा सकता हूँ। देखो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वीडियो के अंदर भी 0.00, तो इससे मैं अपने क्लासेस हो गई है ना, इंस्टीट्यूट हो गए, और हम जो वीडियो बनाते हैं टेक्निकली, अभी मुझे एक आईफोन 12 का वीडियो बनाना है, मेरे पास एक आईफोन 12 है अभी उसका रिपेयर करना है, ये मेरे पास जो टेक्नीशियन से फ़ोन आते हैं, जो दुकानदारों से फ़ोन आते हैं, इंडिया होल्ड से फ़ोन आते हैं, और ये लैब में मैं यही करता हूँ R&D और रिपेयरिंग। और अगर आपको मुझे फ़ोन भेजना है रिपेयर के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, मुझे DM करो, पर्सनल मैसेज करो, मुझे फॉलो कर लो, और वहाँ पर मैं आपको आंसर दूंगा 102% आपका सवाल जो भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक बूट केबल लगाते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक फ़ोन है, ये देखिए ये डुअल बैटरी वाला फ़ोन है हमारे पास, हम इस डुअल वाले ये 1+ ही हो गया आप ये मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ़ोन में ये लगाएंगे बैटरी, और बैटरी लगा के इस फ़ोन को ऑन करेंगे ये करके, ठीक है। तो अगर हम अब हम इसका डुअल कनेक्टर ये देखें कि हमारा इसका डुअल कनेक्टर कौन सा है, तो हम सबसे पहले टाइप सी पे जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर टाइप सी यूज़ करना है, नॉर्मल तो आप देख ही लेंगे, ये मेरा टाइप सी होने वाला है, देखिए। तो इसके अंदर मुझे चाहिए ओप्पो 1+ वाला, सो मेरे पास 1+ का है, ये मेरा कनेक्टर रहने वाला है, ये देखिए ये मेरा कनेक्टर मैच कर गया, ठीक है। तो देखिए मैंने कनेक्टर लगाया यहाँ पर, और कनेक्टर लगाने पर ये देखिए 0.0 something कुछ ये रीडिंग ले रहा है। अब मैं इसको पावर की दबा के देखता हूँ, ये देखिए वाओ, मतलब आप देखो कि डुअल बैटरी वाले कनेक्टर, डुअल बैटरी तो नहीं है इसमें, 2 बैटरी 8 वोल्ट के साथ में ये फ़ोन ऑन होता है। अब देखो DC सप्लाई मशीन और ये दोनों देखो, तो यहाँ पर मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है, मुझे कुछ रीडिंग यहाँ भी दिखाई दे रही है, एक्चुअल रीडिंग मेरी वहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी मुझे एम्पियर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे 200 मिली एम्पियर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर मुझे जो 570 या कुछ ऐसे एम्पियर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देख लेता हूँ मेरा फ़ोन प्रॉपर तरीके से ऑन होता है कि नहीं होता है। तो अभी की जो समस्या है वो तो हल हो चुकी है, जो टेक्नीशियन के बाद 1+ के 8 वोल्ट के कनेक्टर आ रहे हैं वो आप इस फ़ोन के अंदर या टाइप सी में लगाकर इसको परफेक्टली तरीके से ऑन कर सकते हैं, ठीक है, टोटल खपत है, ठीक है। तो ये फ़ोन मेरा जनरली रीस्टार्ट ही कर रहा है, तो ये रीज़न जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब हो सकता है मेरा ये मॉडल रीस्टार्ट कर रहा, हो सकता है दूसरा मॉडल मेरा चालू हो जाए, बट मैं ये बता देता हूँ 1+ में जो, क्योंकि आप देखो कि ये जो बैटरी है इसमें ये 2 डुअल बैटरी, एक बैटरी यहाँ पर और एक बैटरी यहाँ पर, टोटल 8 वोल्टेज का सर्किट है। इसके अंदर एक MP27 करके IC आती है जो आपके 4 वोल्टेज को बूस्ट कर देती है, जिसके साथ 2 स्विचिंग बूस्ट करके कॉयलें होती हैं, जिसका सर्किट मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसका लिंक देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, वो भी मैं डाल दूंगा, मैंने डुअल बैटरी का कंसेप्ट डाला हुआ है उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो टोटल लेटेस्ट का लिंक मैं दूंगा, तो ये
तो यार देखो डिस्प्ले भी दे रहा है, साथ में ये ऑन भी कर रहा है, तो मुझे टेक्निकली ये बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो लैब है उसकी शोभा भी बढ़ा रहा है, कलर भी काफ़ी अच्छा है इसका, ऑरेंज कलर में है और रेड कलर के इसमें, और ब्लू कलर का इसका वायर, और वायर का कलर एक्चुअली ऑरेंज ही है पर ब्लू और ऑरेंज में आपको दिया हुआ है। केबल भी काफ़ी अच्छी है और इतनी जल्दी आपकी केबल ख़राब होने वाली नहीं है। तो ले दे के मैं तो कहूँगा कि ये आपकी टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट ये हमारे 8 वोल्टेज को फ़ोन को सपोर्ट तो कर रहा है, ये तो नहीं है कि फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा है। और दूसरी रही बात हमारे पास में दूसरे फ़ोनों की, जो हमारे आईफोन्स होते हैं उन फ़ोनों की, एक बार उस फ़ोन को भी मैं चालू करके दिखाता हूँ। कल मैंने एक आईफोन रिपेयर किया था, और ये आईफोन 11 ये मेरे को कस्टमर को भेजना है, पर कस्टमर के 2 सेट और बचे हुए हैं तो वो दोनों रिपेयर कर दूँ और एक साथ भेजूँगा मैं। ये उसके बोर्ड है, ठीक है, और मुझे इसका ये डुअल लेयर को रिवॉल्व भी करना है। तो आओ अभी आईफोन 11 का करते हैं। आईफोन 11 के लिए सबसे पहले इधर देखो, तो आईफोन 11 के लिए सबसे पहले हम आईफोन वाला केबल लेंगे, उसको लगाता हूँ एक बार, मैं आपको बता दूंगा। ये डीसी सप्लाई मशीन आपका इतना एम्पियर खा रही है, 50-49 मिली एम्पियर, ये भी आपको देखना होगा। तो हम इसका लगाएंगे केबल का ये पत्ता, वो काफ़ी लंबा है, थोड़ा छोटा होना था, लंबे होने की वजह से भी ठीक है, पर लंबे होने लंबे पत्ते के कारण ये ना जल्दी डैमेज होगा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जल्दी कटेगा या टूटेगा। अब हमें इसकी स्विचिंग करनी है, टिगर करना है इसका, स्विचिंग नहीं बोलते इसको, टिगर बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, दिखाओ, तो देखो ये हमारा टिगर हो रहा है, ये तो ये हमारा फ़ोन 200 के ऊपर जाना चाहिए, ये देखो 200 के ऊपर चला गया, 300, 500, 800, तो ये हमारा फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यार ये बूट केबल में मुझे ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली मेरा देखो 1000 के ऊपर चला गया। ये मेरा वही फ़ोन है जो मैंने जिसको कल मैंने रिपेयर किया था, तो आप देखो कि कितना बढ़िया ये मुझे दिख रहा है, कि मुझे अब कहीं भी नज़र घुमाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे बूट केबल पे ही, मुझे बूट डिवाइस पे मुझे अपना फ़ोन दिख जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा सनशाइन ने अभी जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए किया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप भी आपके वो सेट जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, या जिसकी स्वैपिंग करवाना चाहते हैं, खास तौर पे आप सीपीयू एमएमसी पे काम नहीं करते ना, तो मुझे भेज सकते हैं, बट कंडीशन है सीपीयू एमएमसी डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर आपके बोर्ड डैमेज होगा या सीपीयू एमएमसी डैमेज होगा तो फिर आप मत भेजना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है भेजने का, क्योंकि हम रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते कि हम बोर्ड को जोड़ देंगे, हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है। हाँ रिपेयरिंग करते हैं पर रिपेयरिंग सिखाते भी हैं, आप हमसे सीखने आ सकते हैं, और आप उसके लिए फेसबुक में जाके एसर टेलीकॉम सर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये हमारी वेबसाइट है जिसमें भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 90 दिन के बाद हम क्या ऑफर चल रहा है आप हमें कॉल करके आप हमें पता लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में ये हमारा पेज है एसर टेलीकॉम करके, ठीक है, ये हमारा एसर टेलीकॉम करके पेज है, आप ये पेज में जाइएगा, 5 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है, और उसमें डेली क्लास के रिव्यू, क्लास की आपको प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो कल ये मतलब ये प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। नहीं, नहीं, सर का जो ट्रिक था ना वो एक नंबर था, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं उतारने में, और हम इसे रिवॉल्व करके दोबारा लगाऊंगा। तो ये कल ब्लैक पेस्टेड है और ये सब चालू हैंडसेट में काम कर रहे हैं, तो आपको आना है तो आ सकते हैं। और अगर आप सनशाइन का ADI बूट डी खरीदना चाहते हैं तो रामराज टूल भोपाल उनसे परचेस कीजिए, और दिल्ली में ZX मलिक आप उनसे भी परचेस कर सकते हैं, दोनों का आप नंबर गूगल से निकाल सकते हैं, मैं एक नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। थैंक यू। आपको मज़ा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है, और जो स्टेबल होता है वही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है, और एक टाइम फीस दूंगा, ज़िंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। वाला है। थैंक यू वेरी मच।